alaikum dear participants. I do hope that you people are fine and enjoying good health. I, Professor Muhammad Noaman Faisal, uh, is with that short clip on a solution of exercise of parts of speech. Uh, I do hope uh, you would have taken that lecture of parts of speech, or if you have missed that, you would have watched uh, its video. Uh, now we are going to discuss the exercise that was attached to it. I do hope that you would have uh, tried it and tried to solve it by yourselves now let us uh, give me you people its solution so these are uh, six sentences of uh, practice for identifying the parts of speech we would analyze every word of these uh, six sentences and would find to which category uh, does it belong and that would be done on the base of function of that word not the face value of that word so let us see uh, the functions of those uh, words They sold an old car. तो दे सोल्ड एन ओल्ड कार तो देफिनेटली हमारा प्रो है जी और हमें कैसे पता लगेगा कि दे एक प्रो है जी क्योंकि दे किसी पर्सनस की जगह पर आया है उनके नामों की जगह पर आया है तो दे हमारा बेसिकली पोनाउन हुआ तो सोल्ड उनका एक्शन है एक्शन वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स एन एक आर्टिकल और आर्टिकल हमेशा एजिक्टिव होगा ए एन दा जब भी सेंटेंस में आप देखें तो प्योरली एजिक्टिवें आर्टिकल्स एजिक्टिव का फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं वो कार के लिए कि एक कार है और ओल्ड भी एडजेक्टिव है जी और कार एक नाउन है एक चीज़ का नाम है और ओल्ड को हमने एडजेक्टिव क्यों कहा क्योंकि कार की क्वालिटी दे रहा है एक नाउन की क्वालिटी दे रहा है कि वो ओल्ड कार है और जो नाउन की क्वालिटी देगा डेफिनेटली वो एक एडजेक्टिव है और कार एन भी तो कार के लिए एन ओल्ड कार और की की आ oh की जगह एन इसलिए लगा दिया कि पहले ओल्ड की साउंड आ गई थी ओ की साउंड आ गई थी हुर्रा एक इंटरजेक्शन है हमारा वर्ड है जो इमोशंस शो कर रहा है आर uh, टीम था हमारा वर्ड तो उसमें आर का फैसला करना था टीम तो डेफिनेटली नाउन है अलेवन प्लेयर्स हैं जैसे क्रिकेट की टीम के तो अलेवन प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन को हम एक टीम कह देते हैं वो एक नाउन है तो आर क्या है आर देखने में तो पूरा नाउन लगता है लेकिन यहाँ जो आर है बेसिकली एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है मैंने आपको कहा था कि हम सेंटेंस की फेज में वर्ड्स के फंक्शन देखेंगे हम उनकी फेस वैल्यू को नहीं देखेंगे तो दैट इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव जी कैसे पता लगा वो नाउन को क्वालिफाई है टीम आर टीम हमारी टीम तो टीम नाउन था तो जो नाउन को क्वालिफाई कर गया वो एडजेक्टिव देखिए प्रोनाउन नहीं हो सकता प्रोनाउन प्रोनाउन इज इज इन इन प्लेस नाउन। नाउन यूज़ इन प्लेस ऑफ ऑफ नाउन नाउन तो आर जो है वो तो नाउन के साथ आया है तो नाउन के प्लेस पर तो नहीं आया तो जो नाउन के साथ आ गया वो तो एजिकटिव उसकी क्वालिफाई भी कर रहा है हमारी टीम नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास जो वर्ड आ गया दैट इज वॉन वन हमारा एक्शन है टीम का जीते द आर्टिकल आर्टिकल्स मैंने कहा था हमेशा एडजेक्टिव होते हैं और मैच नाउन देखिए मैच एक नाउन है जिसमें कंपटीशन होता है प्लेयर्स आपस में आ, कम्पीट करते हैं उसको क्या नाम देते हैं तो नाम देते हैं मैच का तो जो नेम है दैट इज़ नाउन ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था मुस्लिम जहाँ एक नेशन हैं जी लोग हैं तो नेम है उनकी जो इस्लाम को मानने वाले उनको हम जो नेम देते हैं वो मुस्लिम्स हैं फास्ट मतलब रोजा रखते हैं तो फास्ट एक वर्ब हुआ यहाँ फास्ट कोई एजिक्टिवेड वर्ब नहीं है यहाँ फास्ट रोजा रखना है फास्ट रोजा रखते हैं इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान तो जो इन है यहाँ प्रेपोजिशन है कब रखते हैं इन रमज़ान तो इन रमज़ान का मतलब कि रमज़ान में तो वो नाउन से पहले आकर उस नाउन का रिलेशन दे रहा है मुस्लिम्स के साथ कि मुस्लिम्स कब रखते हैं रमज़ान में तो दो नाउंस का जो रिलेशन दे या प्रोनाउंस का रिलेशन दे वो प्रपोजिशन होती है द आ गया जिसके बाद द तो होता ही है आर्टिकल्स हॉली मंथ में आते हैं आप लफ्जों को कई बार इकट्ठा पढ़ते हैं ताकि समझ आए मंथ तो नाउन है थर्टी डेज को हम नाम देते हैं नाउन का डेज का नाम थर्टी डेज का नाम क्या है जी मंथ थर्टी डेज का नाम मंथ तो मंथ की क्वालिटी क्या है हॉली मंथ है तो हॉली एजिक्टिव हुआ क्योंकि एक नाउन की क्वालिटी दे रहा है ऑफ जहा है यहाँ प्योरली प्रपोजिशन है क्यों क्योंकि वो एक नाउन Uh, के साथ आई है और उसका रिलेशन दे रही है कौन सा मंथ जी मंथ ऑफ रमज़ान ये मंथ ऑफ एंड रमजान दो नाउंस में रिलेशन दे रहा है मंथ कौन सा मंथ ऑफ रमजान रमजान का मंथ तो जो वर्ड दो नाउंस में रिलेशन देगा वो प्रेपोजिशन है तो ऑफ प्रेपोजिशन था रमजान नाउन है एक महीने का नाम है और जो नेम है नाउन। और है भी प्रॉपर नाउन जी प्लेड असलम प्लेड अक्रम प्लेड तो देखो किसी नाउन की जगह पर आया तो पूरा नाउन है प्लेड वर्ब है आ, दा आर्टिकल्स होती है एजिकटिव है अब आ गया ड्रॉन गेम इकट्ठे पढ़ते हैं ड्रॉन गेम गेम नाउन है ना मैच जैसे नाउन था तो जिसमें लोग आपस में कम्पीट करते हैं वो उसका नाम गेम है उसका नाम नाम नाउन है तो गेम की खूबी क्या है ड्रॉन गेम है क्या बात है जी ड्रॉन देखने को वर्ब लगता था निकला एजिक्टिव क्योंकि वो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसको हम तब कह रहे होते हैं पास्ट पर्टिसिपल इन वर्ब में जाके आप पढ़ेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल एजिक्टिव है

वॉज हेल्पिंग वर्ब है टॉकिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्बर वर्ब मिलकर वर्ब कहता है वर्ब ग्रुप भी कहलाएगा जी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को लगाता से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है वो वर्ब की सब कैटेगरी है तो वॉज टाइम वर्ब ग्रुप है वर्ब है टॉकंग भी वर्ब है talking भी वर्ब भी कहेंगे वेरी लाउड ही वॉज टॉकिंग लाउड पहले देखते हैं लाउड क्या है ही वॉज टॉकिंग लाउड वो ऊंची आवाज में बातें कर रहा था तो टॉकिंग को क्वालिफाई करा ही लाउड नहीं है टॉकिंग लाउड है बातें ऊंची है ही तो एक पर्सन है तो बातें ऊंची हो रही हैं तो वर्ब क्वालिफाई हो रहा है और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा दैट वुड बी एडवर्ब तो लाउड प्योरली एडवर्ब है वर्ब किया है देखें इसने और जो वर्ब क्वालिफाई कर गया दैट वुड बी एडवर्ब एडवर्ब को हम वी लिखते होते हैं जी और वेरी लाउड सिर्फ लाउड नहीं जी वेरी लाउड इसका मतलब वेरी लाउड को क्वालिफाई कर रहा है लाउड एडवर्ब था टॉकिंग को क्वालिफाई करने की वजह से और वेरी बी एडवर्ब है और वेरी क्यों एडवर्ब है जी क्योंकि ये एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो भी एडवर्ब जो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा वो भी एडवर्ब ठीक है जी वेन आई केम इन आई केम इन भी एक क्लॉज है ही वॉज टॉकिंग वेरी लाउड भी एक क्लॉज है ये पहली वाली भी पूरी की पूरी एक क्लॉज थी ही वॉज टॉकिंग वेरी लाउड वो बहुत ऊंची आवाज में बातें कर रहा था आई केम इन मैं अंदर आया तो वेन इन दो क्लॉज को मिला रहा है तो चूंकि जो मिला रहा है जो ज्वाइन करता है वो कंजंक्शन होती है तो ये हमारी कंजंक्शन है जी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम सी ओ एन या सी ओ एन जे अक्सर इसको हम लिख देते होते हैं जी कंजंक्शन को नेक्स्ट देखते हैं आय आय तो जहर एक प्रोनाउन है केम वर्ब है और इन यहाँ प्रेपोजिशन दिखती तो है पर प्रपोजिशन है नहीं इन यहाँ एडवर्ब है प्योरली एडवर्ब है जी अब आप कहेंगे सर इन तो आज तक हमने प्रपोजिशन पढ़ी थी बच्चे ठीक है ये प्रेपोजिशन है ज्यादातर प्रेपोजिशन के तौर पर ही आप देखते हैं इट्स राइट लेकिन हमने कहा था लफ्जों की शक्लें नहीं देखनी उनके फंक्शन देखने सूरत नहीं देखनी सीरत देखनी है देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला ये आम की, आपकी असल जिंदगी के लिए भी आ, एक मैसेज है कि सूरतें देखनी, रिलेट देखनी नाउन नाउन नहीं कर रहा जैसे प्रपोजिशन के डेफिनेशन में आपने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच में आई केम इन 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 किस क्वालिफाई कर रहा है केम को कहा आया इन और जो वर्ब को क्वालिफाई कर गया वो एड वर्ब तो केम वर्ब था तो केम कहां हुआ जी इन अगर एडवर्ब कभी तंग करें ना तो ज्यादातर आप देखें हाउ व्हेन और वेयर का आंसर होते हैं हाउ व्हेन एंड वेयर एडवर्ब जब डिटेल में पढ़ेंगे जानेंगे इसको प्योर और तो वेयर ही केम कहाँ आया जी इन तो ये वेयर का आंसर दे रहा जो व्हेन वेयर और हाउ का आंसर दें वो प्योरली एडवर्ब होते हैं जी तो ये एडवर्ब है यहाँ प्रेपोजिशन का फंक्शन नहीं देखो इन था होती है लेकिन हमें फंक्शन के बेस पर कैटेगरीज बनानी है ऑफ स्पीच की मैंने ऑफ स्पीच के लेक्चर के शुरू में कह दिया था नहीं देखा लेक्चर दोबारा देखें देन आपको चीजें समझ आएंगी आई ऑलवेज लाइक स्माइलिंग बड़ी मजे की बातें आने वाली हैं जी आए तो प्रो नाउन हो गया आए चलो नुमान तो नुमान लाइक स्माइलिंग फेसिस जी तो आए तो हो गया नुमान तो नुमानुमान लाइक स्माइलिंग फेसिस क्यों लाइक like को क्वालिफाई कर रहा है देखें लाइक like एक वर्ब है आई लाइक like, मैं पसंद करता हूँ ऑलवेज लाइक तो चूँकि लाइक वर्ब था तो ऑलवेज एड वर्ब हुआ क्योंकि वर्ब क्वालिफाई कर रहा है आई ऑलवेज नहीं ऑलवेज लाइक like है और नेक्स्ट आ गया स्माइलिंग फेसिस जी तो फेसिस तो नाउन है आपके आ, जो ये आ, गर्दन के ऊपर का हिस्सा ये आपका फेस है सामने वाला फ्रंट पार्ट तो वो फेस हो गया तो फेस की क्वालिटी क्या है स्माइलिंग स्माइलिंग फेस तो है दिखने में ये वर्ब लग रहा था और वर्ब होता भी बात का उसका एक्शन तो है क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है फेस नाउन है हमारी गर्दन के ऊपर का जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसका नाम क्या है नाम नेम नाउन होता है जी नेम क्या है फेस तो फेस नाउन हो गया तो फेस स्माइलिंग एजिक्टिव है जो नाउन को क्वालिफाई कर गया मुस्कुराता हुआ चेहरा तो यू साफ माई डियर पार्टिसिपेंट्स व्यूअर्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम उनकी फेस वैल्यू से नहीं उनके फंक्शन से कैटेगराइज करते हैं और आप जब भी कोई कंपटिटिव एग्जाम दे रहे हो सी एस एस का हो पी एम एस का हो या आप किसी भी तरह का जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बाजूकात ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच बताएं और होता है जी येस इट इज़ डेफिनेटली देर तो आपको फंक्शन के बेस पर करना है तो आई डू होप कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी और आप Uh, अगर मजीद कन्फ्यूज हैं तो यू मे आस्क मी क्वेश्चंस यू क्वेश्चन कांटेक्ट मी फॉर फर्दर और रिमूवल ऑफ योर कन्फ्यूजन थैंक यू थैंक यू वेरी मच